दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में और साथ ही साथ मर्जर के बारे में। कुछ बड़ी अपडेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक के अंदर आज के दिन हमें 16 रुपए 55 पैसे का हाई बनते हुए देखने को मिला, लेकिन जो क्लोजिंग निकल कर आई है वो अगेन 16 रुपए 35 पैसे की निकल कर आई है। आज के दिन यस बैंक को लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। यस बैंक अगेन नंबर वन बन चुका है सभी बैंकों को पीछे छोड़कर। लेकिन उसके पहले अगर हम आज के दिन यस बैंक के वॉल्यूम में इस काम की बात करें तो आज के दिन एनएसी के अंदर टॉप वॉल्यूमर्स में यस बैंक हमें फोर्थ पोजीशंस पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहली पोजीशंस पर हमें वोडाफोन आइडिया देखने को मिल रहा है, जहां पर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। देन हमें जोमेटो देखने को मिल रहा है, जहां पर आज के दिन हमें 3.7% की तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें जी इंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है, वहां पर भी 3.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके बाद में हमें यस बैंक का नाम देखने को मिल रहा है। यस बैंक के अंदर जो वॉल्यूम बेस काम है वो लास्ट वन मंथ के कंपैरिजन में कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। आज के दिन भी शेयर्स के अंदर टोटल 8 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है। बात करें यस बैंक को लेकर आज के दिन क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है, तो टॉप 20 बेस्ट बैंक्स इन इंडिया फॉर 2023 में यस बैंक का नाम भी हमें इंक्लूड होते हुए देखने को मिल रहा है। यहां पर एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और यस बैंक का नाम भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंदुसिंद बैंक, आईडीबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का नाम देखने को मिल रहा है। तो यस बैंक जो कि हमें लास्ट ईयर तक टॉप 50 बेस्ट बैंक्स के अंदर भी इंक्लूड होते हुए देखने को नहीं मिल रहा था, वो इस साल के स्टार्टिंग में ही टॉप 20 बेस्ट बैंक्स इन इंडिया 2023 के लिस्ट में इंक्लूड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफी शानदार न्यूज हमें यस बैंक को लेकर आते हुए देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन है कि यस बैंक अभी अपना फोकस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहा है, यानी कि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान दे रहा है और इसी के चलते कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ द बैंक ऑफर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग पर्सनल एंड बिजनेस लोन, सेविंग एंड करंट अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ इट्स कस्टमर्स, यानी कि कुछ ऐसे ऑफर प्रोवाइड करके जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, वैसी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली एमपीसी मीट के अंदर आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट को अगेन हाई किया गया था, जिसके चलते यस बैंक ने भी अपनी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। अब यस बैंक फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 8% का ब्याज दे रही है, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एफडी पर अगर ब्याज दरें की बात करें तो 7 दिन से अगर 14 दिन की अगर आप एफडी कराते हैं तो उस पर 3.7% की ब्याज दर से आपको ब्याज मिलेगा सीनियर सिटीजन को, और नॉर्मल पर्सन को 3.2% की दर से। 15 से 45 दिन की अगर आप एफडी कराते हैं तो 3.7% से सामान्य नागरिक को और 4.2% से सीनियर सिटीजन को, यानी कि वरिष्ठ नागरिक को। तो ऐसे करते हुए सभी पर हमें काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते मर्जर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बैंक मर्जर्स इन इंडिया हैव बीन बेनिफिशियल टू बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से यह बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि बैंकिंग सेक्टर का जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जिनका हमें यहाँ पर मर्जर देखने को मिल रहा है, उसके चलते बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग पोजीशंस में आ रहा है और इसका बेनिफिट सभी बैंकिंग सेक्टर को मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली यस बैंक को मिलते हुए भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लुकआउट फॉर एनी करेक्शन इन बैंकिंग सेक्टर एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यदि आप खरीदारी करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, तो अगर यहाँ पर आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आपको करेक्शंस देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये थी यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हालांकि यस बैंक के अंदर आपको फ्रेश पोजीशंस अभी अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी पोजीशंस अगर आपने बना रखी है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को 14 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।